नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पूर्णिया एयरपोर्ट मामले को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया एयरपोर्ट मामले को लेकर जो कुछ भी बातें कहा, उसके बाद से जदयू के नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी शुरू है। इसी क्रम में ज्योतिराज सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की, कई दफे फोन किया, हालांकि मुख्यमंत्री से कोई उनकी बातचीत नहीं हुई, वो फोन पर भी उपलब्ध नहीं हो सके। यह किसी और का दावा नहीं है बल्कि राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने किया है। यह पूरा मामला क्या है बताते हैं आपको। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई बार फोन किया, लेकिन मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री से बात करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। यह दावा भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बेहद तीखा सवाल पूछा है। पूरा मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बाद छिड़े बयानबाजी से जुड़ा हुआ है। बता दें आपको कि भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि प्रगतिशील राज्य के मापदंडों में एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है कि राज्य में कितने और किस कैटेगरी के एयरपोर्ट हैं। इस दिशा में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकुचित सोच के चलते बिहार काफी पीछे है। उनका लचर रवैया के कारण बिहटा में बनने वाले आधुनिकतम कैट 3 स्तर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तथा केंद्र सरकार के उड़ान परियोजना के अंतर्गत बिहार में बनने वाले अन्य एयरपोर्ट अधूरा है। यही नहीं, विवेक ठाकुर ने यह भी कहा कि बिहटा एयरपोर्ट तथा उड़ान परियोजना के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के लिए गया तो उन्होंने अचंभित होकर कहा कि बिहार में विकास आखिर कैसे होगा। हमने 10 बार से अधिक कोशिश की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने की, लेकिन वे फोन कभी उठाए ही नहीं, उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। नीतीश कुमार के इस रवैये से स्पष्ट होता है कि उन्हें बिहार के विकास से कोई वास्ता नहीं है। आगे विवेक ठाकुर ने कहा कि बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए दूसरे चरण का जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव 2.5 साल से बिहार सरकार द्वारा लंबित है, जबकि जमीन उपलब्ध है। उसी प्रकार मुजफ्फरपुर का पताही एयरपोर्ट को दोबारा स्थापित करने के लिए केंद्र ने 60 करोड़ रुपए जारी किए, किंतु स्थिति जस के तस बनी हुई है। साथ ही बिहार सरकार की उदासीनता के कारण बिहार के भागलपुर, फारबिसगंज, सबैया इत्यादि एयरपोर्ट बंद पड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी एयरपोर्ट का खर्च केंद्र सरकार उठाती है, राज्य सरकार का काम सिर्फ जमीन उपलब्ध कराना होता है। नीतीश कुमार सिर्फ जमीन की उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, इससे बड़ा विकासहीन सोच का और क्या परिचय हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को पूर्णिया से पहले पटना में जवाब देना होगा। विवेक ठाकुर ने कहा कि बगल के उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, बौद्ध पर्यटकों के लिए कुशीनगर जैसे एयरपोर्ट हो या देश का सबसे बड़ा जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, वहाँ हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। लेकिन बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फॉल्स ईगो संकुचित रवैया तथा प्रथम मेरा अहम के कारण बिहार विकास से कोसों दूर है। आगे विवेक ठाकुर ने कहा कि क्या ऐसे ही रवैया के लिए उन्होंने नारा दिया कि बिहार में दिखा है भारत में दिखेगा, भगवान बचाएंगे भारत को। ऐसे विकास विरोधी सोच से भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा, बिहार को संकुचित व पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं बल्कि सामूहिक और विस्तृत विकास के नेतृत्व की आवश्यकता है, जो आने वाले समय में बिहारवासी तय करेंगे। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से पूर्णिया एयरपोर्ट मामले को लेकर बिहार की सियासत में काफी गर्माहट है, ऐसे में कई नेताओं के तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। इसी क्रम में ज्योतिराज सिंधिया तक बात पहुंची और वह नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश किया। हालांकि 10 बार से अधिक फोन नीतीश कुमार के पास गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया है। यह बात जो है राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, बिहार में विकास कैसे होगा, कैसे बिहार और विकसित होगा, इस पर नीतीश कुमार का ध्यान नहीं है। और जिस तरह से वह कह रहे हैं कि प्रदेश में दिखा है देश में दिखेगा, यानी कि पीएम मटेरियल को लेकर के नीतीश कुमार इन दिनों तमाम विपक्षियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वो उनका बिहार के तरफ कोई ध्यान है ही नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि इसके जवाब जो है किस तरह से जदयू के तरफ से दिया जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फोर्नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।